ये देखो अभी ठीक है, किसी फ्रेम में नहीं हूँ मैं। जी जी राखी जी रुकना है, क्यों रुकना? बस वहीं पे राखीजिए। मेरा अड्डा नया क्या लग रहे हो राखी जी? आप अच्छे बहुत स्मार्ट, इससे पहले बोला था कि वो बाल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे ना। आज आगे नहीं घुसे मुंह में, आगे आगे सिस्टमैटिक खड़े सब लोग। आज बराबर साधा भी घुस जाते हैं मुंह में, आप ही बोल सब सुधर गए। इसके लिए आप बोले हम लोग मैं परेशान हूँ। क्यों? ऑटो में घूम घूम के परेशान हूँ। ड्राइवर पप्पू का फोन आ रहा है कि दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैसे लेके भागा, तीसरी बीवी के साथ ऐश कर रहा हूँ आपके पैसों से, और आपने तो बवाल कर दिया। आपका असली साथी तो मीडिया है, हमको देवरिया में सबने पकड़ लिया है, हम कहीं जा नहीं पा रहे। योगी जी धन्यवाद आपका, योगी जी यूपी जी यूपी में योगी जी ने पप्पू यादव को पकड़ के निकाल दिया, अभी रो रो के फोन कर रहा है वो। दूर रहना, नजदीक नहीं आना, दूर रहना। हाँ ये ठीक है, प्रेस वाला तो ठीक है, मंजूर है, प्रेस वाले को अलाउड है। सवाल पाकिस्तान में खड़े होकर आप सवाल कर रहे हो, बोलो। पाकिस्तान मतलब काफी दूर हो ना, ये मेरा एंगल ठीक नहीं है। एंगल इधर देखो, ये वाला एंगल अच्छा है, ये ऐसे ट्रैफिक नहीं करना। हां बोलो, गांधी जी योगी के बारे में बता रहे थे, इसके आने आए। हां तो योगी जी के बारे में बता रही थी, थैंक यू सो मच, मेरे ड्राइवर को पकड़ के निकाला यूपी पुलिस ने, देवरिया देवरिया समथिंग है, इसको ऐसे ठुकाई करो कि कोई राखी सावंत के पैसों को जिंदगी में हाथ लगाने की कोशिश न करे। इसके लिए पप्पू यादव के सिर्फ बैंड बजा दो यूपी पुलिस के, जिंदगी में कोई भी ड्राइवर अपनी मैडम के पैसे, गोल्ड का फोन, गाड़ी लेकर भागे नहीं, क्योंकि मैडम है ना, हम लोग बहुत विश्वास करते हैं यूपी वालों पे, बहुत विश्वास करते हैं हम, और एक के कारण दूसरों को सबको नहीं दोष देना चाहिए। यूपी वाले बहुत ईमानदार है, लेकिन ये ही ये भी यूपी का, ये जो है पप्पू यादव, ये रावण का भाई निकला, बताओ रावण का भतीजा, भतीजा है क्या? चलो भतीजा सही है, कुंभकर्ण की आई रावण आई दोस्त को कहते हैं। तो ये एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं, अपना क्या क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता, जो हमारे भेजे में जाए वो ऐसी कुछ बात करो भाई। हम बोलिए राखी जी आप बोलिए। तो ये बात ऐसा है कि उसका फोन आ रहा है, रो रहा है, पहली बीवी ने छोड़ दिया, दूसरी ने छोड़ दिया, तीसरी छोड़ने पर है, तो थैंक यू सो मच। मुझे ये सोचना है कि ये कितने लोग के पैसे, पप्पू यादव तो पैसे लेके भागा होगा, जो राखी सावंत के बुरा करता ना राखी सावंत को, राखी सावंत किसी को नहीं छोड़ती है, तुम पाताल में से घुस जाओगे वहाँ से भी ढूंढ के निकालेगी, जहन्नुम में से भी। राखी सावंत ऐसा नाम है ना, ब्रांड है, सावंत ऐसा नाम है, मीडिया हमेशा उसके साथ रहती है, तुम किस कौन सा भी पैसा जेवर किधर भी पाताल में से भी या किसी किधर भी छुप जाओ, तुम ढूंढ के तो मैं निकालूंगी। पुलिस ने ढूंढ के निकाल लिया उसको, मेरा पैसा, मेरा फोन, मेरा सब कुछ। आप लोगों को शायद पता नहीं है मैं इतनी परेशान हूँ, मैं बारिश में मेरे बालों की हालत देखो कितनी खराब हो गई, जब आप बाल धो के आता आप बारिश में बाल भीग जाते हैं, यू नो लंबे बाल है मेरे, तो क्या हालत हो जाती है, आप यू कैन अंडरस्टैंड। और एवरीडे शैम्पू करना, यू नो रोज आइनिंग करना, रोज बालों को ये करना, कितनी तकलीफ वाला काम है। सो मैं ऑटो में घूम रही हूँ, मेरी जगह मर्सिडीज लैंड क्रूजर कारों में है, मेरी जगह, और ये हेलो तुम बीच में म्यूजिक का बजा रहे हो, अरे किसी के मुस्कुराहट पे, यहाँ पे तुमको मुस्कुराहट दिख रही है क्या मेरे मुंह पे? प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम, बीच में गाना बजा रहे हो, तो आप समझ रहे हो ना। और मैं ऑटो में घूम रही हूँ मुंबई में, जस्ट बिकॉज ऑफ ये पप्पू यादव, ये गधे के कारण, क्योंकि इस पर मैंने ट्रस्ट किया। रीना उसकी बहन है, उसकी माँ बिचारी मेरे घर में दो बार आना चाह रही थी, देखे पैसा तो हम ऐसे बांट रहे, मेरे से प्यार से मांगता ना
इज्जत से मांगता ना तो मैं दे देती, आप समझ रहे हो, लेकिन चोरी करके गया। और अभी 2 मिनट पहले फोन आया, लगाओ फोन, फोन लगाओ, चुप बैठोगे? हाँ लगाओ। फोन लगाती हूँ, गाड़ी चुप उठ गई, उठ गई ना? हाँ क्या हुआ? गाड़ी उठा रहे हैं, उधर डर के मारे नहीं उठा रहे फोन वो। फोन कर रही हूँ। चल चलिए, गाड़ी पुलिस वाला आया तो आराम से, आराम से कोई धक्का मत मारो। सॉरी 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 सॉरी। थैंक यू थैंक यू। राखी जी आपका फोन मिल गया क्या वापस? उसी वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई है। वाह वाह वाह, मेरे पैसे चुरा के फोन पे भाग रहे। छोड़ो उसका आएगा फोन। हाँ तो भाई बोलो, बहुत सारे लोग हैं आगे पीछे। किसकी किस किस की हो रही है? एलविस यादव गया है, एलविस। अरे ओटीटी है ना, तो ओटीटी में ये यूट्यूबर लोग जाने दो, आपको भी जाएंगे। कुछ नहीं होता है, कोई कितना भी यूट्यूबर उबर जाए अंदर जाके सबके फटके आते आ जाती है। टीवी वाला चालू, कुछ नहीं होता अंदर, सिर्फ ड्रामेबाज लोग चाहिए होते हैं और यू नो रोमांटिक लफड़े झगड़े ये सब वाले मुर्दा लोग के अंदर बिग बॉस में कोई काम नहीं। यूट्यूबर एक डिफरेंट होता है और बिग बॉस में जो लोग चाहिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ लोग चाहिए, जो कि मेरे जैसे लोग, जैसे कि हम लोग एंटरटेनर हैं। ओके ओके कंटिन्यू। ओके अच्छा और टॉपिक हो गया खतरों के खिलाड़ी है, जो खतरों के खिलाड़ी है उसका लाइव टेलीकास्ट हो चुका है। वो मैडम हेलो, क्यों शूट कर रहे हो आप? शूट क्यों कर रहे हो? उनका लेना हमारा क्यों ले? ये कौन छोटू का भाई है क्या? हाँ उनका ही भाई है। तेरा लिया क्यों? तू वांटेड है क्या? हम मीडिया छापने वाले हैं, छापने वाले नहीं। वो गलत दिखाते ना फिर उसे। हम छापने वाले हैं। चलिए राखी जी, बहुत ट्रैफिक हो गया। हाँ तो मैं जाओ जाओ जाओ। और दुबई आ रहे हो ना? हाँ आपके साथ आ रहे, सब आ रहे। नया गाना? अरे मेरी हालत देखो, बारिश में बाहर भीग के, अब ये बाल देखो ऐसे लग रहा है कि बर्तन धोने के काम आएंगे। बर्तन किसी को धोने के काम आएंगे ऐसे लग रहा है। बारिश आ गई राखी जी। राखी जी नया ड्रामा, कोई आगे नहीं जाएगा। बाय बाय राखी जी, बाय। राखी जी बारिश आ गई, बारिश आ गई। अरे कैमरा खराब हो जाएगा, बारिश आई तो आई, अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। हाँ बराबर, बहुत ज्यादा टायर्ड दिख रही हूँ मैं। हाँ राखी जी आप बहुत अजीब से दिख रहे हो। एक ड्राइवर ढंग का नहीं मिल रहा मुझे, एक ड्राइवर ढंग का, कोई ईमानदार ड्राइवर है राजा? प्लीज मेरे पास तांबे भी गाड़ी चलाता है। आ गया। हाँ उठा उठा उठा। मोबाइल बिजी रहे, सेल्फी स्टैंड होगा भाई, कोई बोलेगा नहीं, चुप रहे। हाँ पप्पू मोबाइल पीछे ले। हाँ बोलो, पैसे चुरा के क्यों भागे मेरे? हाँ नहीं नहीं, तूने पैसा चुरा के क्यों भागा? तू देखो, मैंने फोन बनाने दिया था तुझे, मैंने फोन बनाने पैसा दिया था, पैसा चुरा के क्यों भागा तीसरी बीवी के साथ?
तेरी तो अभी ऐसे पुलिस स्टेशन में ठुका, तू कितना भागेगा, कितनी दूर भागेगा? तेरी तेरी जो देवरिया की पुलिस है तेरे को ढूंढ रही है अभी। तूने तू चाबी चुरा के भागा, गोल्ड का फोन चुरा के भागा, सब कुछ चुरा के भागा ना, अभी तू पुलिस स्टेशन आ, पुलिस स्टेशन में तू आ। ठीक है दीदी, अभी जो तेरे जो अभी बस भाई पीछे से थोड़ा साइड, जल्दी से तू ओशियारा पुलिस स्टेशन में आ। अभी तो तू गांव पहुंच गया ना, देवरिया पहुंच गया ना, होटल में रुका है ना, होटल में रुका है ना, तू होटल में रुका है ना, मुझे सब मालूम है। कितना भागेगा तू, कहां तक तेरी पहुंच है? हाँ कितना भागेगा तू, कितना भागेगा तो तू आता रहा, आधार कार्ड किधर है? तो आजा आजा मुंबई आ, सामने बैठ, कांदीवली में। अच्छा आ गया, तो आजा फिर घर पे आ, कांदीवली में तो घर पे आ, जल्दी आ। नहीं 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 तू नहीं नहीं तू अभी पहले घर पे आ, तुम जो पैसा लेके भागा है ना चोरी करके, ठीक है मेरा पैसा ट्रांसफर मार दे, मैं केस वापस ले लेती हूँ, तेरे यूपी से भी मार ले लेती हूँ और ओशिवारा से भी ले लेती हूँ, मेरे पैसे ट्रांसफर मार। तो पुलिस से बात कर, पुलिस से बात कर, चलो बाय रखते हैं, बात कर, नहीं पुलिस से बात कर, तू आजा आजा पुलिस से बात कर। अरे कहाँ भाई, पुलिस से बात कर, पैसा जो चोरी करके भागा है ना पुलिस से बात कर। हाँ तामे साहब को तो आजा, गोल्ड का फोन किधर है? मेरे गोल्ड का फोन किधर है? तेरी बहन को लेके आ जा, रीना को, जिसने तेरे को काम पे लगाया ना, तेरी बहन को लेकर जल्दी आ। बस करते रहे तो अभी पुलिस स्टेशन आ, जल्दी आ। चलो जान दो मत बुलाना, कोई आवाज़ ना मारो, ये नीचे रख, ये सब बंद करो, बंद करो, सब हो गया।